दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज फाइनली मैं नवरात्रि शॉपिंग का सेकंड वाला वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने नवरात्रि शॉपिंग का फर्स्ट वीडियो मैंने ले आया था, तब मेरी शॉपिंग थोड़ी सी आधी अधूरी थी। मैंने डांडिया नाइट्स जो हमारे यहाँ होता है गरबा के लिए, उसके लिए मैंने कोई ड्रेस नहीं लिया हुआ था। मैंने बेसिकली दुर्गा पूजा का ड्रेस लिया हुआ था। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक के थ्रू वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने एक ब्लैक कलर का ड्रेस लिया है और एक ग्रीन कलर का, दो ड्रेस मैंने लिया हुआ है। ये पूरा कॉटन का ब्लैक कपड़ा है जिस पे कि मल्टी कलर धागे से वर्क किया गया है। देखने में बहुत ही प्रीटी है और साथ ही साथ इसमें प्लास्टिक के मिरर्स भी लगे हुए हैं। तो अगर गरबा में आप मिरर वाले कपड़े पहनते हैं तो एक अच्छी वाली रिफ्लेक्शन वहाँ पर आती है। और इसका गला भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि मल्टी कलर का है, और इसके हाथ पे कुछ इस कलर का मल्टी कलर का बॉन्डिंग किया गया है। तो ओवरऑल ये कपड़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब कि आई कैच वाला जो कहा जाता है, एकदम वैसा ही है कि अगर आप इसको पहन के चले जाएंगे तो सबका नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होगा। और बिल्कुल ये डिज़ाइन ही किया गया है फेस्टिव के लिए, फेस्टिवल के लिए। तो दोस्तों मैंने ये जयपुर से ले आया है और ये मेरा सेकेंड ड्रेस है जिस पे कि पूरा गरबा का लुक दिया है। इस पे डांडिया खेल रहे हैं लड़के और लड़की, और इस पे बहुत ही बारीक तरीके से धागे से डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ थ्रेड से डिज़ाइन किया गया है, और इसमें भी पूरा मिरर वर्क है। तो आपने ये ब्लैक वाला और ग्रीन वाला देख लिया, आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं गरबा पे वही पहन के जाऊंगी डांडिया नाइट्स में। आप इसमें से एक जो आपको अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऊपर की ग्रीन वाले कुर्ती की कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, और इस पे भी कुछ ऐसे ही फोल्ड दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और दोनों के गले बिल्कुल सेम टू सेम है। डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है, इस पे गरबा का पूरा लुक दिया हुआ है बहुत ही बड़े बड़े आकार में, उस पे थोड़ा छोटा छोटा दिया हुआ है। जैसा कि फेस्टिव सीज़न है दोस्तों, तो मैंने उसको नज़र में रखते हुए ये कपड़ा ख़रीदा है कि डांडिया नाइट्स पे अगर मैं ये पहन के जाऊंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये रेड कलर की लेगिंग्स है जो कि बेसिकली दोनों के साथ चलने वाली है। रेड अगर मैं इसके साथ जाती हूँ, इस कुर्ती के साथ ब्लैक, तो रेड मैच करना ही करना है, और इसके साथ भी ये मैच करेगा ही। मेरिट के अलावा मल्टी कलर्स के भी मैं इस पे सलवार पहन सकती हूँ। अब बारी आती है इस पर्स की, हैंड बैग की। तो ये बड़ा छोटा सा छोटू सा मुझे दिख गया हैंड बैग, तो मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि बेसिकली हम उस वक्त में ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करते हैं, मोबाइल कैरी करते हैं, कुछ कीज़ इंपॉर्टेंट की इसमें आराम से आ जाएगी मोबाइल के साथ साथ, और ये हम अपने ड्रेस में ऐसे फंसा सकते हैं, इसमें हुक दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है, इसमें भी पूरा कम्प्लीटली मिरर वर्क दिया हुआ है जिससे इसमें फेस्टिव लुक वाला एकदम फील आता है। अब ये सेकंड वाला पर्स है जो थोड़ा सा कम लाइटनिंग वाला है, इसमें जहाँ कोई मिरर विरर यूज़ नहीं किया गया है तो ये थोड़ा सा डीम है वहाँ। ये बेसिकली मैंने ऐसे ही अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया, पर मैं इसको डांडिया नाइट्स में नहीं लेके जाऊँगी। और ये मुझे मेरा सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो ये 80 रुपीज़ में मुझे ये पर्स मिला हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हो कितना अच्छा ये शाइन कर रहा है, गोल्डन कलर का पर्स। ये किसी भी कलर के ड्रेस के साथ चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुर्ती की, तो दोनों कुर्ती मुझे 750 में मिली है दोस्तों। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। मेरी ज्वेलरी अभी मुझे लेनी है, वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, क्योंकि डांस करते वक्त हम बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं अगर हम बहुत हैवी ज्वेलरी ले लेते हैं। ये है मेरी पंखू जो कि बहुत एक्साइटेड है ड्रेसेस को लेके। तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप शाइन कीप लविंग।